जो मैंने पहले ट्रिक बताया वो ट्रिक को आप अपना सकते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने साइट पे और आपके लिए एक नए वीडियो और लेकर आए हैं नए टेक्निक के साथ में। तो मान लीजिए प्लाई है और आपको 20 से कटिंग करके निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए एक नया टेक्निक है, आप जो भी मार्किंग हो, जैसे मैंने मेजर ले लिया, ये हमारा मेजर है, मुझको सेंटर से निकालना है। तो मैंने अभी मान लिया सेंटर नहीं, मुझे कोई भी निकालना हो, मैंने 2.5 इंच का मार्क किया, अभी 2.5 इंच यहाँ मार्क किया, ठीक है। तो बिल्कुल मार्किंग पर रखे ऐसा, और मशीन को यहाँ से लूज कर ले आप। लूज करने के बाद ब्लेड को सीधे बाहर निकाल दें और ये टाइट नहीं करें, ये धीरे 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 इसको चलाते हुए नीचे तरफ पुश करें। ध्यान दें नीचे तरफ ज़्यादा ना जाए। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने अभी कटिंग किया, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसा मैंने कटिंग की, इस तरह से आप सेंटर से कटिंग कर सकते हैं। और दूसरा एक और ट्रिक है, मैं वही बता रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा उसमें से सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। अगर ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिस है मशीन चलाने का तो भी आप ऐसा कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी कटिंग करना, जैसे मान लो 1/2 इंच की प्लाई है, मैंने अभी 1/2 इंच का यहाँ पर टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद में मैं यहाँ मशीन को ऐसे क्रॉस रखूँगा उठा करके। ध्यान दें कि ये कम से कम 1/2 इंच नहीं तो 1.25 इंच ज़रूर होना चाहिए, ताकि इसमें स्लिप ना करे। तो मशीन को धीरे धीरे इसे दबाते हुए फिर इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये काम जब ही करना जब आप मशीन चलाने में काफ़ी आपका प्रैक्टिस हो चुका हो तभी कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं कीजिएगा, इसमें धोखा भी हो सकता है, ठीक है। जो मैंने पहले ट्रिक बताया वो ट्रिक को आप अपना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें ऐसे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।